महापौर संदीप जोशी और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू को शहर के नागरिकों ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन एक और जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर मरने वालों का आंकड़ा भी अब बढ़ते जा रहा है। शनिवार को 6 मरीजों की मौत हुई, उसके साथ ही मरने वाले की संख्या 76 पर गई। वहीं 150 नए पॉजिटिव के साथ अब तक कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3837 हो गया। प्रशासन ने शासकीय प्रयोगशालाओं का बोझ कम करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 टेस्ट की दी है मंजूरी, लेकिन अब प्रयोगशाला की लापरवाही भी सामने आ रही है। सराफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पकड़े गए ठग साइंटिस्ट से तहसील पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि उससे अब तक 8,53,000 रुपए के जेवरात जब्त किए जा चुके हैं। 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत छात्रों के पंजीय की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है, यह प्रक्रिया 1 अगस्त तक चलेगी। नागपुर शहर में अब बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब नागपुर महानगर पालिका प्रशासन कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अभी तक कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए लोगों को शहर में तैयार किए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता था, मगर रविवार को प्रशासन की ओर से बदलाव किया गया है। कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने वाले लोग हाई रिस्क हो या लो रिस्क, उन्हें घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के सिलेबस में 1 से लेकर 12 तक के सिलेबस में 25% की कटौती का निर्णय लिया है। इससे पहले छात्रों के अभिभावकों में खुशी की लहर है। तेजी से लाठी चलाती हुई पूना की बुजुर्ग महिला का वीडियो हुआ वायरल, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दी गई 1 लाख रुपयों की मदद। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कोरोना को लेकर विपक्ष को राजनीति को थमना मनाने की नसीहत दी है। उद्धव ठाकरे ने नाम लिए बगैर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था। 21 साल पहले कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुंह की खाई थी। भारतीय सेना के साहस के सामने उसकी साजिश नहीं चल पाई थी और 1999 में भारतीय सेना ने पाक के सैनिकों को खदेड़ कारगिल में विजयी झंडा फहराया था।